अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद मुनीब लाहौर रियल एस्टेट से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0222-422-045। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं DHA 9 प्रिज्म सेक्टर Q&R के फर्स्ट राउंड अबाउट पर, और आज मैं आपको विजिट कराने जा रहा हूँ सेक्टर Q&R का स्ट्रीट व्यू, जिसमें आप देख सकेंगे कि यहाँ क्या डिवेलपमेंट अपडेट्स हैं और क्या यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप इस वक्त देखें तो हमें दो ग्रे स्ट्रक्चर जो हैं एक कनाल के घर के कंप्लीट हुए नज़र आ रहे हैं, और इसका जो अपर पोर्शन है 1 से 300 तक की नंबरिंग का, यहाँ पर आपको एक कनाल के पोजेशन प्लॉट्स मिल जाते हैं, जिसमें प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो 2 करोड़ 95 लाख तक रेट जाते हैं। 2 करोड़ 95 लाख में कौन से प्लॉट हैं? वो हैं जो मेन बुलेवार्ड के पोजेशन प्लॉट हैं, प्लस फेसिंग थीम पार्क हैं। तो आगे हम चलकर देखते हैं, कुछ नई एक्टिविटी भी शुरू हुई है, कुछ और नए घर भी बनना शुरू हुए हैं एक कनाल के। तो ये इस वक्त हम 76 वाली नंबरिंग में हैं, डबल डिजिट में। ये एक हमारे राइट हैंड साइड पर घर बन रहा है, सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो तो सेम स्ट्रीट में एक और घर बनना शुरू हो चुका है। आगे चल के मैं आपको दूसरी स्ट्रीट में भी दिखाता हूँ, वहाँ पर भी एक घर बनना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं रोड लेवल प्लॉट्स हैं, और बहुत जल्द यहाँ पर लिविंग भी आना शुरू हो जाएगी। हमारे राइट हैंड साइड पर मैं आपको एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और भी दिखाता हूँ, जो कि अस्करी और DHA का प्रोजेक्ट है, अस्करी अपार्टमेंट्स। यहाँ पर लिविंग को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर बनाने शुरू कर दिए गए हैं। ये इसके बाउंड्री वाले प्लॉट्स हैं, बाउंड्री फेसिंग कॉर्नर्स, फेसिंग बाउंड्री वॉल के जो कॉर्नर प्लॉट्स हैं। हम आपको राइट हैंड साइड पर दिखाते हैं, एक ये भी घर जो है स्ट्रीट नंबर 6 में भी घर बनना शुरू हो गया है, जो कि मेन की इमीडिएट बैक पर है। हम विजिट भी आपको करा देते हैं। इस वक्त हम मेन 120 फीट बुलेवार्ड की इमीडिएट बैक पर हैं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर मेन बुलेवार्ड है 120 फीट रोड, और ये जो आपको वाटर टैंक नज़र आ रहा है ये थीम पार्क में है, थीम पार्क की साइड पर है, और ये 128 कनाल का थीम पार्क है मेन बुलेवार्ड पर, और साथ 120 फीट बुलेवार्ड दोनों साइड पर चल रही है। ये घर है, ये भी एक कनाल का घर है, जो इसमें टोटल अब क्यू ब्लॉक में इस वक्त इस पोर्शन में 4 कनाल के घर हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट हम चलते हैं आर ब्लॉक की तरफ। ये सामने जो आपको बिल्डिंग बनती नजर आ रही है, ये अस्करी के अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जिससे लिविंग और प्रमोट होगी क्यू ब्लॉक की तरफ। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से जारी है, और हम अब आगे बढ़ रहे हैं आर ब्लॉक की तरफ। पहले हम आपको क्यू ब्लॉक की जो 300 वाली नंबरिंग है, जिसको वो भी हम आपको विजिट करा देते हैं। यहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू कर दी गई है। तो व्यूअर्स, ये इस वक्त हम क्यू सेक्टर के मेन बुलेवार्ड पर, जो एक छोटा सा सेक्टर कमर्शियल दिया गया है 300 की नंबरिंग के बाहर मेन बुलेवार्ड पर, वहाँ पर मौजूद हैं। इसमें मेन पर 4 मरला की कमर्शियल जो है प्लॉट्स दिए गए हैं, जो अभी अलॉट नहीं किए गए, तो इंशाल्लाह जब ये अलॉटमेंट होगी तब इसकी अवेलेबिलिटी भी मार्केट में आ जाएगी, और यहाँ से हमारी एक कनाल की फिर रेजिडेंशियल कटिंग शुरू हो जाती है। इसमें अभी कुछ प्लॉट्स पोजेशन हैं और कुछ नॉन पोजेशन हैं, वो अगर आप चेक करना चाह रहे हो कि आया आपका प्लॉट पोजेशन है या नॉन पोजेशन है, तो आप मुझे कांटेक्ट करके पोजेशन लिस्ट मंगवा सकते हैं, या अपने प्लॉट का पोजेशन कंफर्म करा सकते हैं। यहाँ से अब हम अंदर से होते हुए ही आर ब्लॉक जाएंगे, जिससे हम देख सकेंगे कि आर ब्लॉक में भी
इस पोर्शन में भी 300 की नंबरिंग में भी कुछ घर बनना शुरू हुए थे, वो भी साथ हम विजिट कर लेंगे। ये मेन पर एक जो इन्होंने साइट छोड़ी है प्राइमरी स्कूल के लिए, साइट छोड़ी है क्यू ब्लॉक में 300 की नंबरिंग के बाहर। ये इस वक्त हम क्यू ब्लॉक की 250 की नंबरिंग में है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दो ग्रे स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट हैं। ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे घर है, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम चल रहा है और सोलर भी इसमें इंस्टॉल कर दिया गया है, मतलब कि बहुत जल्द यहाँ पर आपकी लिविंग आने वाली है। और ये सामने जो आपको घर बने नजर आ रहे हैं बाउंड्री वॉल के दूसरी साइड, ये DHA 9 टाउन सेक्टर डी के घर हैं। और यहाँ से अब हम आपको ले चलते हैं आर ब्लॉक की तरफ। टोटल 6 घर इस वक्त एक कनाल के हैं, जो कि क्यू ब्लॉक में बनना शुरू हो चुके हैं, जिसमें कुछ जो है ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए हैं, कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये हम क्यू ब्लॉक में जो बाद में लैंड ऐड की गई थी उस पोर्शन में आ चुके हैं। ये 5 मरला की हमारी कटिंग है, 1100-1200 वाली नंबरिंग जो है यहाँ पर, और ये मैप में बाद में अपडेट किया गया था। ये अभी नॉन पोजेशन एरिया है, यहाँ पर अभी प्लॉट्स को पोजेशन नहीं दिया गया, लेकिन बहुत जल्द उम्मीद है यहाँ पर भी पोजेशन अनाउंस कर दिया जाएगा। सो व्यूअर्स, इस वक्त हम जो है क्यू ब्लॉक के 1229 और 1228 नंबर कॉर्नर पर 5 मला के प्लॉट पर क्रॉसिंग कर रहे हैं। सामने हमारे आर ब्लॉक शुरू हो चुका है। ये 60 फीट रोड है जो कि डिवाइडर है क्यू और आर का। ये आर ब्लॉक की एक कनाल की कटिंग है जो कि टोटली पोजेशन प्लॉट्स हैं। पीछे जो आपको इसमें वाटर टैंक नजर आ रहा है, ये छोटा पार्क है आर ब्लॉक का। तो हम यहाँ पर भी स्ट्रीट विजिट करके देखते हैं कि आर ब्लॉक में क्या एक्टिविटी इस वक्त कंस्ट्रक्शन में नहीं शुरू हुई है आया नहीं हुई। ये 1 से जो 271 तक प्लॉट हैं, तकरीबन सारे एक कनाल के प्लॉट हैं, और उससे ऑनवर्ड मेन बुलेवार्ड पे आर ब्लॉक में फ्रंट बैक जितनी भी पट्टी है 120 फीट रोड पर, वो है सारी की सारी हमारे 10 मरला की। एक का फेस 120 फीट रोड पर है प्लॉट का, और दूसरे का 120 फीट की बैक पर, और उसके पीछे सारा 5 मरला है ओवरऑल सारे आर ब्लॉक में। 120 फीट रोड के लेफ्ट साइड पे अगर हमारा DHA 9 टाउन डी ब्लॉक की तरफ फेस है, लेफ्ट हैंड साइड पर मेन की बैक पर एक कनाल की कटिंग है, और 120 फीट रोड के राइट हैंड साइड पर 10 मरला की फ्रंट बैक लेन और पीछे सारा 5 मरला। ये कुछ एरिया है जो अभी DHA ने कुछ एक्वायर कर लिया है और कुछ अभी नहीं एक्वायर हुआ। एक कनाल में पोजेशन तकरीबन सब में आ चुका है। ये जो आपको छोटा सा पैच मेन पे नजर आ रहा है, ये हमारा कमर्शियल एरिया है, और साथ यहाँ पर मस्जिद दी गई है और छोटा सा एक पार्क वगैरह भी दिया गया है। ये इस वक्त हम मेन बुलेवार्ड पर हैं आर ब्लॉक के, जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे एक कनाल की कटिंग है, राइट हैंड साइड पर मेन पर 10 मरला और मेन की बैक पर 5 मरला। तकरीबन 80-85% आर ब्लॉक में पोजेशन दे दिया गया है, जिसमें आर ब्लॉक में 5 मरला, 10 मरला और एक कनाल की कटिंग है, एक प्रॉपर कम्युनिटी है। और आज के विजिट में हमें, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, कि एक कनाल में आर ब्लॉक में अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं है, जबकि क्यू ब्लॉक में एक कनाल के 6 घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पर हमारा आर ब्लॉक अभी तक ख़त्म होता है। ये बाउंड्री वॉल है, पीछे कुछ प्राइवेट लैंड है, और साथ DHA 9 टाउन है।
लेफ्ट हैंड साइड पर एक कनाल की कटिंग है जो कि 271 नंबर लास्ट कॉर्नर बनता है, और यहाँ से 270 की नंबरिंग से 10 मल्ला की कटिंग शुरू होती है, और पीछे इसमें 10 मल्ला और 5 मल्ला है। नेक्स्ट हम आपको लेकर चलते हैं आर ब्लॉक में, जहाँ पर 5 मल्ला की कटिंग है और जहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। सो व्यूअर्स, ये इस वक्त हम अगर आप मैप स्टडी करें तो हम 2300-2400 वाली नंबरिंग में, जो आपको मेन पर 120 फीट बुलेवार्ड पर आपको स्कूल के ऑपोजिट प्लेग्राउंड नज़र आता है तकरीबन 50-50 कनाल का, ये हम लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपको गहरी लैंड नज़र आ रही है ये उस प्लेग्राउंड की लैंड है, और ये 60 फीट वाइड रोड है। और हमारे राइट हैंड साइड पर जो है 5 मल्ला कटिंग है, आर ब्लॉक की रेजिडेंशियल 5 मल्ला कटिंग, ये स्ट्रीट 1 है जो कि 2300 और 2400 की नंबरिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक 5 मल्ला का घर जो है ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्द ये फिनिशिंग की तरफ जा रहा है। इस एरिया में अगर आप 5 मल्ला की प्राइसेस के हवाले से पूछें तो तकरीबन 1 करोड़ के लगभग यहाँ पर हमें 5 मल्ला का प्लॉट मिलता है। ये जो मेरे राइट हैंड साइड पर लेन्स हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पर जैसे जैसे हम डीप जाते जाएंगे रेट्स कम होते जाएंगे, और जैसे जैसे आप इस बाउंड्री वॉल की तरफ डीप जाते जाएंगे रेट्स कम होते जाएंगे। ये हम लेफ्ट टर्न लेकर 60 फीट रोड की बैक साइड पर आ चुके हैं, यहाँ पर 2100-2200 वाली नंबरिंग है, और ये आगे हम चलेंगे इसको क्रॉस करते हुए, इन स्ट्रीट्स को क्रॉस करते हुए। ये सारी स्ट्रीट्स ऑलमोस्ट पोजेशन पे हैं, और यहाँ पर आप फौरी प्लॉट बाय करके घर बना सकते हैं। आर ब्लॉक में कुछ पार्क्स दिए गए हैं, सेक्टर कमर्शियल्स दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको जो एक्टिविटीज़ इन फ्यूचर मिलेंगी, यहाँ पर एक मार्की है और अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट्स की साइट है जहाँ पर आपको हाई राइज बिल्डिंग मिलेगी। ये जो आपको लैंड नज़र आ रही है ये अपार्टमेंट्स की लैंड है जो 1400 की नंबरिंग के ऊपर आती है। ये इस वक्त हम जिस स्ट्रीट में जा रहे हैं ये स्ट्रीट नंबर 66 है, और ये 1431 से लेकर 1473 तक की लेन है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक 5 मल्ला का घर तेज़ी से अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसका भी ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये जो आपको मैप पर पार्क नज़र आता है, साथ DHA की कुछ लैंड है, उस पर आप देख सकते हैं कि ऑपरेशनल पुलिस स्टेशन भी है, सिक्योरिटी का भी, DHA सिक्योरिटी भी यहाँ पर आ चुकी है जो एनी टाइम 24 आवर्स यहाँ पर अवेलेबल होती है, और पुलिस स्टेशन भी ऑपरेशनल है। मीन्स आप सिक्योरिटी वाइज भी अगर देखें तो आर सेक्टर और क्यू सेक्टर इस वक्त सिक्योर हैं फॉर लिविंग। बहुत जल्द यहाँ पर आपको लिविंग भी नज़र आएगी। ये जो आपको बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है ये आर ब्लॉक का एंड है टुवर्ड्स हडियारा ड्रेन 3000 की नंबरिंग की तरफ। सो व्यूअर्स, ये हम 60 फीट रोड पर है जो कि सीधा आपको मेन 120 फीट रोड तक लेकर जाता है। सो व्यूअर्स, ये इस वक्त हम मौजूद हैं 120 फीट मेन बुलेवार्ड पे आर ब्लॉक की। हमारे ये टर्न लेते लेफ्ट साइड पे जो आपको कटिंग नज़र आ रही है ये आर ब्लॉक की 120 फीट रोड है जो कि हडियारा लिंक हडियारा ड्रेन के साथ से रोड एंटर होती है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर 4-8 मल्ला कमर्शियल के प्लॉट्स हैं, कमर्शियल एरिया है। राइट हैंड साइड पर मेन बुलेवार्ड पे 10 मल्ला की कटिंग है जो कि फ्रंट बैक 10 मल्ला के प्लॉट्स हैं। यहाँ पर हमारा आर ब्लॉक का विजिट कंप्लीट होता है। अब हम क्यू ब्लॉक का जो एक पोर्शन रह गया था हम उस साइड पर चलते हैं जो कि अभी नॉन पोजेशन है, और एक कनाल की, टोटली एक कनाल की कटिंग है, 400, 500, 600 और 800-900 तक की नंबरिंग जो है। यहाँ पर हमारे क्यू ब्लॉक की रेजिडेंशियल कटिंग शुरू हो चुकी है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर टोटली एक कनाल के प्लॉट्स हैं। ऑन ग्राउंड सिविल वर्क, इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क, अंडरग्राउंड वायरिंग, सीवरेज अंडरग्राउंड वायरिंग सब कंप्लीट है, लेकिन अभी ये नॉन पोजेशन एरिया है।
हम थोड़ा सा आपको स्ट्रीट विजिट भी कराते हैं आगे, ताकि आप देख सकें कि ऑन ग्राउंड बिल्कुल रेडी है ये पोर्शन, और बहुत ही आइडियल है फॉर रेजिडेंस एंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। आप यहाँ पर हमारे राइट हैंड साइड पर भी देख सकते हैं, जो कि हमने वीडियो के आगाज में विजिट किया था, पोजेशन एरिया क्यू ब्लॉक का, और ये मेन बुलेवार्ड के लेफ्ट हैंड साइड पर जो है ये नॉन पोजेशन एरिया है। प्राइसेस के हवाले से थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, क्यू ब्लॉक में जो है एक कनाल की प्राइस मिनिमम 215 से 220 लेकर मैक्सिमम 3 करोड़ तक जाती है। 3 करोड़ वाले प्लॉट मेन बुलेवार्ड प्लस फेसिंग थीम पार्क प्लॉट जो है वो डिमांड करते हैं, लेकिन जो ट्रांजैक्शन रेट है वर्थ अगर मैं कहूँगा तो -3 करोड़ की ही मैं कहूँगा इसको। और जो 5 मल्ला है क्यू ब्लॉक में हमें मिल जाता है 95 लाख से 1 करोड़ 1.3 करोड़ के दरमियान। फिर हम नेक्स्ट अगर 10 मल्ला की बात करें तो 10 मल्ला की क्यू ब्लॉक में सिर्फ एक लेन है, फ्रंट बैक लेन है, जो कि एक जो फेस करते हैं एक कनाल के प्लॉट को फेस कर रहे हैं और एक जो है 5 मल्ला को फेस कर रहे हैं, तो बहुत ही लिमिटेड सी कटिंग है। वहां पर हमें 1.70 से लेकर 1.80 के दरमियान प्लॉट मिलता है, डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। तो ये जो हम इस वक्त एरिया विजिट कर रहे हैं ये क्यू ब्लॉक की 600, 700, 800 की नंबरिंग है। अगर आप मैप स्टडी करें तो आप ज़्यादा बेहतर इसको समझ सकेंगे। स्ट्रीट विजिट कराने का मकसद है कि आप देख सकें कि कहां पर किस हद तक डेवलपमेंट हो चुकी है, स्ट्रीट बोर्ड्स लग चुके हैं, लाइट पोल्स और लाइट्स इंस्टॉल हो चुकी हैं। ये सामने हमारा पार्क है क्यू ब्लॉक का 800 की नंबरिंग वाला। आर ब्लॉक की प्राइसेस के हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि मैं डिस्कस नहीं कर सका पहले। आर ब्लॉक में 5 मल्ला की प्राइसेस डिपेंड्स अपॉन लोकेशन, पोजेशन पे भी डिपेंड करता है, लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। मिनिमम जो है इसमें आपकी प्राइस रेंज है 60 लाख की, जो कि नॉन पोजेशन और डेड एंड्स पर प्लॉट हैं। कुछ प्लॉट अभी ऑन ग्राउंड हैं, कुछ ऑन ग्राउंड नहीं है, और मैक्सिमम ये जाकर टच करती है 1 करोड़ 1.10 करोड़ को। ये क्यू ब्लॉक में कुछ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो बाकी रहता था उसको भी तेजी से किया जा रहा है। फिर सेकेंडली हम आर ब्लॉक की 10 मल्ला की प्राइसेस डिस्कस कर लेते हैं। वहां पर हमें डिपेंड्स अपॉन लोकेशन 1.25 करोड़ से लेकर 1.25-30 करोड़, वो कोहिनूर फैक्ट्री के बिल्कुल करीब, अगर आप मैप स्टडी करें 2300 की नंबरिंग में कुछ 10 मल्ला की कटिंग है, वहां पर हमें 1.25 लाख से 30 लाख के दरमियान मिल जाता है प्लॉट 10 मल्ला का, और मैक्सिमम जाके ये ब्रैकेट टच करती है प्राइस रेंज ऑलमोस्ट आपकी 1.75 करोड़ को। उसमें 1.75 करोड़ वाले कौन से प्लॉट्स हैं, वो 1.75 करोड़ वाले प्लॉट्स हैं जो के पोजेशन प्लॉट हैं और मेन बुलेवार्ड के प्लॉट हैं। व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब के लिए ये वीडियो आज की बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और आपने स्ट्रीट व्यू भी देखा होगा कि डेवलपमेंट किस हद तक हो चुकी है क्यू ब्लॉक में और आर ब्लॉक में। तो वीडियो के इख्तिताम के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुँचती रहें। और मज़ीद अगर आप कि कोई भी क्यूरी हो तो आप मेरे नंबर पर, स्क्रीन पर आपको नंबर मेरा शो हो रहा होगा, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं रिपीट भी कर देता हूँ, 03224222045। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।